Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो video lecture है ये based है redox reaction chapter पे, जो कि class 11th का chapter है. हम करने लगे हैं हमारा last जो हमारा lecture है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं भी what is electrochemical series and what is galvanic cell. तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में. तो इस पर चलने से पहले, अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और जस्ट वीडियो के नीचे आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी सब्सक्राइब ऑप्शन के साथ. तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी. तो जैसे कि मैंने बोला, हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड गैल्वेनिक सेल. आपको बता दूं, हमने क्लास 11th में रिडॉक्स में इसका थोड़ा बहुत ही कंसेप्ट करना है, क्योंकि ये इन डिटेल क्लास 12th में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से. ठीक है, तो आई गेस इट्स थर्ड चैप्टर जो कि क्लास 12th का है, तो वहाँ पर इसे इन डिटेल स्टडी किया जाएगा. लेकिन यहाँ पर रिडॉक्स में आपको जो जो रिक्वायरमेंट है भी ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले टर्म. देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बोला है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक चीज़ यूज होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और यही जो वर्ड है, यही जो टर्म है, ये यूज होता है गैल्वेनिक सेल में भी. जब हम गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तब भी हम बार बार एक टर्म यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जैसे कि एनोड होता है, एक होता है कैथोड, है ना. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, तो देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऐसी टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की, या तो वो उसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. सो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की ये टेंडेंसी होना भी, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से लूज कर रहा है. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. आगे ना हम रिडॉक्स रिएक्शन पे, बिल्कुल, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, एक होता था ऑक्सीडेशन, एक होता था रिडक्शन. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. इतना तो हमें क्लियर है. देखो, अगर मैं आपको लिखती हूँ, एक रिएक्शन है मेरे पास, लिथियम है, ठीक है. एल आई ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको रिएक्शन नॉर्मल लिख दिखाऊँ, एल आई ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एल आई प्लस हो गया. ठीक है, एल आई ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और यहाँ से क्या हो गया, वो एल आई प्लस हो गया. सो ये क्या हुआ, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बिल्कुल करेक्ट. तो और मैं ये बोलूँ भी एल आई प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी. रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और नीचे वाला हमारा क्या है, रिडक्शन है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन किया. तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, ये लिखते हैं हम ई नॉट. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नॉट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए रखा जाता है. स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर जब आपका 298 केल्विन होगा उस टाइम पर बात हो रही है, ठीक है, और प्रेशर अपना 180 एम होगा. तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. इसके साथ हम लिखेंगे, ये किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिथियम से एल आई प्लस में. तो एल आई से एक ऐसे स्लैश लगाएंगे, एल आई प्लस में हो रहा है. इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. ध्यान से देखो, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्यों कहलाएगा, ये एल आई से एल आई प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और ई नॉट जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है. तो जब ऑक्सीडेशन हो रही है और उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो इसको कैसे लिखते हैं, ई नॉट जहाँ से जहाँ पर हो रहा है, एल आई से एल आई प्लस हो रहा है. ऐसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, देखो, E नॉट, अब कहाँ से कहाँ, एल आई प्लस से एल आई में हो रहा है, तो पहले एल आई प्लस लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर क्या लिखेंगे, एल आई.
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझना है। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऐसी टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है भी, हम ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स को, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन है, ZN है, कॉपर है, इनकी एक सीरीज बना देते हैं जिसमें हम ये शो करते हैं भी किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चलता है भी, उनके पास कितनी कैपेसिटी है भी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे, और आपकी स्क्रीन पर डियर स्टूडेंट्स अब एक फोटो आ रही होगी जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो आप देख सकते हो आपके पास बनी हुई आ रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें इस सीरीज को देखकर याद करने हैं। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके जो फोटो आपकी स्क्रीन पर आ रही है उसको अपनी कॉपीज में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नोट करवाऊंगी, जिससे हम ये पता करेंगे भी ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके साइड पर एक तरफ आपको पिक्चर दिख रही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरह से हमने रीड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, वो मैं आपको लिखवाने लगी हूँ। सो हेडिंग डालेंगे सम पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ईच एलिमेंट, आप इनमें से कोई भी एलिमेंट देख सकते हो, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस केस लिथियम का बताया था, वहाँ पर उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी था और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी था। इसका मतलब क्या है भी, अगर आपका कोई भी एलिमेंट है तो वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, वो रिड्यूस भी कर रहा है, मतलब उसका एक ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल भी है और एक रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी है। तो देखिए क्या पॉइंट है, ईच एलिमेंट हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मतलब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो आपको क्वेश्चन में ही दे देते हैं और आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता, तो आप क्या करोगे, उसका साइन चेंज कर दोगे। कैसे, देखो, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग इट्स साइन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कैसे, अभी हमने एग्जांपल लिया था लिथियम का, जब Li जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि जब ऑक्सीडेशन करता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका आता है +3.045 वोल्ट। ठीक है, अब ये तो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब ये रिड्यूस करता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है -3.045 वोल्ट। अब आप यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, उनके साइन पर। ऑक्सीडेशन में आप देख रहे हो पॉजिटिव साइन और रिडक्शन में नेगेटिव साइन है। तो अगर आपको कोई एक रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कोई भी एक पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन एक पता है, तो दूसरा निकाल सकते हो बस उसका साइन कन्वर्ट करके। ठीक है, पक्का ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे, दैट ईच एलिमेंट हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग इट्स साइन। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप देखोगे जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, जो रिड्यूसिंग पावर एलिमेंट की वो डिक्रीज होने लग जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो जो सबसे नीचे होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी और उसका रिड्यूसिंग पावर बहुत कम होगी। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो रिड्यूसिंग पावर एलिमेंट की डिक्रीज होती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन दोनों पॉइंट्स को नोट करोगे। अब हम देखने लगे हैं हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये सारा डाउन द ग्रुप ही बोल रही हूँ, मतलब डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है डाउन द ECS। ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, आप देखोगे भी जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है हर एलिमेंट का। ठीक है, अब आगे देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एलिमेंट होगा, यानी कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, तो कैसे पहचानोगे, मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है, ठीक है, एंड लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो समझ जाइए भी वो मोस्ट रिड्यूसिंग है, या फिर अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो समझ जाइए वो मोस्ट रिड्यूसिंग है। वाइस वर्सा कैसे केस हो जाएगा, अभी अगर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट वो होगा जिसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और हाइएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी एनसीईआरटी में भी मिलेगा, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई एलिमेंट ऊपर है और कोई एलिमेंट नीचे है, तो अगर ऊपर वाला जो एलिमेंट है ना वो हमेशा एनोड की तरह बिहेव करेगा और नीचे वाला हमेशा कैथोड की तरह। देखो क्या कह रही हूँ मैं, इफ एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड अबव द वाई, वाई के ऊपर एक्स रख दिया तो वाई जो है वो एनोड की तरह बिहेव करे, मतलब एक्स जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और वाई कैथोड की तरह। मतलब इस सीरीज में जो ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स है, मान लो कोई दो एलिमेंट दे दिए, एक नीचे प्रेजेंट एक ऊपर है, तो जो ऊपर वाला है वो एनोड की तरह काम करेगा और नीचे वाला कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इन तीनों पॉइंट्स को नोट करोगे। अब हम देखने लगे हैं सिक्स्थ पॉइंट। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आइए देखिए क्या है। दोज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिख रही है, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, अगर हाइड्रोजन से पहले जितने भी एलिमेंट्स ऊपर प्लेस्ड है ना वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन के जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। देखो कैसे, जैसे Zn है प्लस H2SO4, यहाँ पर Zn जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है तो वो उसको डिस्प्लेस करके उसकी पोजिशन ले लेगा और ZnSO4 बना लेगा और H2 लिबरेट हो जाएगा, लेकिन जो Cu है वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगी और कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा, अगर उससे नीचे कोई है तो वो उसको नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ एक्स एलिमेंट इज प्लेस्ड अबव वाई, वाई के ऊपर एक्स रख दिया गया है तो एक्स ही वाई को डिस्प्लेस करेगा, वाई कभी भी एक्स को डिस्प्लेस नहीं करेगा। देखो कैसे, जैसे Zn प्लस CuSO4 है तो Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, X ने Y को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, लेकिन अगर कोई और आ जाता है, मान लो यहाँ पर कोई और एलिमेंट आ जाता है तो यहाँ पर CuAg को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये रिएक्शन आकर नहीं करेगी। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेपर में दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर, तो ये भी दे दिया जाएगा ये भी दे दिया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए भाई हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा एलिमेंट है, Zn आता है, Cu हाइड्रोजन से नीचे आता है, जो ऊपर होगा सिर्फ वही रिएक्शन होगी, जो एलिमेंट नीचे होगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो वो रिएक्शन अकर नहीं करेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए, अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर, ये पॉइंट अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या है देखिए, इन द केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन के केस में जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन विल डिस्प्लेस द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिस्प्लेस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ऊपर प्रेजेंट है नीचे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके उसकी पोजिशन ले लेगा और रिएक्शन अक्कर हो जाएगी। तो आपको पेपर में 3-4 रिएक्शन दी जाएंगी, आपको ये ध्यान रखना है किस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, उसकी जगह पर ले रहा है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट जो कि है गैल्वेनिक सेल। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है गैल्वेनिक सेल। आपके सामने मैंने गैल्वेनिक सेल ऑलरेडी बनाकर भी दिखाया है और आपको ये बताऊंगी भी ये बनाना भी कैसे होता है, इसको कभी भी याद नहीं करना है, इसको जस्ट एक कुछ कंसेप्ट चीज़ आपको बतानी चाहिए तो आप कभी भी गैल्वेनिक सेल बना सकते हो। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ भी ये बना कैसे। यहाँ पर आपको दो बीकर देखने को मिल रहे होंगे, तो जो आपको पहले चीज़ बताती हूँ, पहले तो दो नहीं थे ना, दोनों बीकर अलग अलग थे, तो आपके पास क्या था, एक बीकर था और एक और बीकर था। अब आपने क्या किया, जो पहला बीकर था ना इसके अंदर आपने रख दिया Zn रॉड और इसको किस में डिप कर दिया, ZnSO4 सॉल्यूशन में। सिमिलरली आपने एक और बीकर लिया, उसमें अपने Cu रॉड डाल दी और उसे CuSO4 सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों बताई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बोला था जो एलिमेंट ऊपर होता है वो एनोड की तरह काम करता है और जो नीचे होता है वो कैथोड की तरह। तो Zn और Cu को कंपेयर करके देखोगे तो Zn ऊपर होता है तो Zn किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, और Cu किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। क्यों, क्योंकि Zn ऊपर था और Cu क्या था, नीचे था। अब जब भी आप गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपने एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड, तो हमने
के किया, जो एनोड वाला बीकर था यानी कि ZN वाला बीकर था उसको लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रक्ट करना है और जो कैथोड वाला था उसको राइट हैंड साइड कंस्ट्रक्ट कर दिया। देखो इस बीकर में मैंने क्या किया, ZnSO4 सॉल्यूशन डाला और उसके बाद मैंने ZN रॉड डिप कर दी। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैंने CuSO4 सॉल्यूशन लिया और CU रॉड क्या कर दी, डिप कर दी। इतना काम हो गया। नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। इन दोनों को किससे कनेक्ट किया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। और ये सॉल्ट ब्रिज कंटेन करता है K2SO4 सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो, करंट फ्लो हो और मतलब क्या हो, हमारी रिएक्शन अकर हो, ठीक है। इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। और आप यहाँ पर देखेंगे भी, यहाँ पर आपने हमने क्या किया, इसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है दोनों हमारे एनोड और कैथोड को, ताकि आप देखोगे भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं और जो करंट का फ्लो है वह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकर करेगा। कैसे, देखो जो ZN है, ZN क्या, देखो ZN बेसिकली क्या होता है, ZN दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ZN प्लस टू बना देता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होएगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। और फिर हमारा जो CU क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्या बना देता है, CU प्लस टू बना देता है। क्या बना देता है, CU प्लस टू बना देता है। आप इस चीज़ को ध्यान, सॉरी CU प्लस टू गलती से बोल बैठी, CU प्लस टू क्या करता है, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और CU बना देता है। देखो क्या होता है, ZN क्या करता है, ZN इसमें जब स्प्लिट होता है तो ZN प्लस टू सॉल्यूशन में स्प्लिट होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट होते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा CU प्लस टू यहाँ से रिलीज होगा उसके साथ कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना देंगे, CU बना देंगे। तो ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड से आए हैं उनको रिसीव कर लेगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, CU में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन होती है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इसका। रिप्रेजेंटेशन पता कैसे करते हैं, पहले आप लिखते हैं जिस रॉड, मतलब जौन सी रॉड है, तो पहले आप लिखेंगे ZN, फिर स्लैश डालेंगे किसके अंदर, ये डिप है, मतलब ZN प्लस टू लिबरेट करता है ना, तो ZN प्लस टू। फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज, जो इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से डिनोट करते हैं। फिर आता है किस सॉल्यूशन में ये है, मतलब क्या लिबरेट होता है, CU प्लस टू कंबाइन करेगा ना, फिर CU लास्ट में। देखो अब होता क्या है, ZN क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करता है और ZN प्लस टू बन जाता है। वो दो इलेक्ट्रॉन्स CU प्लस टू ले लेते हैं और क्या बना देता है, CU बन जाता है। समझ पा रहे हो, ZN दो इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ZN प्लस टू बन जाता है, फिर वही दो इलेक्ट्रॉन्स CU प्लस टू लेता है और क्या बना देता है, CU बना देता है। तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो हमारे इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ये क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। या फिर एक और तरीका होता है इसको करने का रिप्रेजेंटेशन का, वो होता है LHHL। पहले अपन ये लिखनी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाले की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ZN या ZN प्लस टू में से कौन सी होगी, ZN होगी। फिर लिखेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ZN प्लस टू। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किसकी है, CU प्लस टू की, फिर लिखेंगे CU। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट, हायर, फिर हायर, फिर लोअर, LHHL। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ZN रॉड ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करे तो क्या बना, ZN प्लस टू, तो पहले वो लिखो, फिर किसने लिया, CU प्लस टू ने लिया और CU बना, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब आपसे क्वेश्चन बेसिक ही पूछे जाते हैं, या तो इसकी रिप्रेजेंटेशन पूछी जाएगी या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाएगा, भी किसके बीच में होता है, ऑक्सीडेशन तो इनके बीच में होता है, रिडक्शन इनके बीच में होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जिस पे राइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है फिनिश होता है। इसकी कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल सा पोर्शन था, इस वजह से यहीं पर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर भी फिनिश होता है। सो यहां पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। मुझे आप सबने एक छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर से आपकी डीपीपी इंट्रोड्यूस की है, तो आपने मुझे बताना है डीपीपी आपको बेनिफिशियल लगी या नहीं, लेकिन मजा आया कि नहीं आया। साथ के साथ आपको ये चैप्टर कैसे लगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बेसिकली मैंने बहुत मेहनत करके मतलब सारे डिफरेंट बुक्स में से, क्योंकि डीपीपी आपको प्रोवाइड करी है, फिर डीपीपी का सॉल्यूशन भी दिया है। सो लेट मी नो भी आपको कैसा लगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्या आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।